चार राज्यों का एग्जिट पोल हो गया, बचा पांचवा राज्य, नॉर्थ ईस्ट का राज्य मिजोरम। हमारा व्हाइट बोर्ड ज्यादातर खाली है इसीलिए क्योंकि कम एग्जिट पोल नतीजे हमारे पास हैं, क्योंकि ज्यादातर पोल एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए नहीं है। अविनाश अपनी तैयारी के साथ हमारे साथ हैं। मिजोरम में कुल कितनी सीट अविनाश? मिजोरम में कुल 40 विधानसभा, मतलब बहुमत के लिए 21 का आंकड़ा चाहिए था इनको। नतीजा? और नतीजा ये है कि इकलौती, ये पांच राज्यों में से इकलौता ये राज्य है जहां पे हंग असेंबली बनती हुई दिख रही है फिलहाल। जो दो कम एजेंसियों ने सर्वे किया है उसमें फिलहाल अभी हंग असेंबली ही नजर आ रही है। पहली एजेंसी है रिपब्लिक टीवी और सी वोटर, और मुख्य पार्टियां यहाँ पे थी कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट, MNF मिजो नेशनल फ्रंट। भाजपा भी थी यहाँ पे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, खुद मोदी भी प्रचार करने गए थे, लेकिन वहाँ यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस को 14 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, MNF को 16 से 20 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, चूँकि बीजेपी बिल्कुल ही ब्लैंक है, जीरो, एकदम कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है, और अन्य के खाते में 3 से 10 सीटें जा रही हैं। मतलब बीजेपी के लिए मिजोरम में कुछ नहीं है रिपब्लिक टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक। बिल्कुल, और यही सेम एग्जिट पोल टाइम्स नाउ और CNX का भी है। इन्होंने भी कांग्रेस को 16 सीटें दी हैं, MNF को 18 सीटें दी हैं, और अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ भी एक भी सीट नहीं है, और इसका मतलब ये है कि फिलहाल ये हंग असेंबली बनने के आसार नजर आ रहे हैं। ये अदर्स वाले होंगे, वो किंग मेकर होंगे। और हाँ बिल्कुल, इस बार यही है कि मिजोरम में अदर्स ही इस बार किंग मेकर की भूमिका में है। देखिए ऊपर जो पहले रिपब्लिक टीवी ने दिया है उसमें 3 से 10 अन्य के पास सीटें हैं, जो टाइम्स नाउ है उनके पास 6 सीटें हैं, और जब आप दोनों देखेंगे 14 से 18, इनमें भी 3 की कमी नजर आ रही है आपको, और यहाँ पे 5 की कमी नजर आ रही है। और पूरा करने के लिए अदर्स में वहाँ 3 से 10 का आंकड़ा पहले वाले में है, दूसरे में 6 का आंकड़ा है, दोनों मिला करके दोनों लोगों का किसी की भी पार्टी बना सकते हैं, कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है और मिजो नेशनल फ्रंट की भी सरकार बन सकती है। मिजोरम में अभी सरकार है किसकी? मिजोरम में इस समय फिलहाल सरकार कांग्रेस की है, जो पिछले 10 सालों से है। 2008 में भी कांग्रेस की सरकार थी और 2013 में भी कांग्रेस की सरकार थी। ललथन हावला वहां के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, और जो सीटें घटी हुई दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज जो काम करती है वो ललथन हावला के लिए काम कर रही है, और इसी वजह से यहाँ पे हंग असेंबली बनने का आसार नजर आ रहे हैं। तो मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस लगभग बराबरी पर हैं। जो अदर्स वाले हैं, अन्य हैं, जो वो जिसके भी समर्थन में, जिसका भी समर्थन करेंगे, सरकार उसकी बनती दिख रही है। तो ये था पांचवा राज्य मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का इकलौता ऐसा राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की कम ही राज्यों में सरकार है। वहां से कांग्रेस के लिए बुरी खबर, मोटा मोटी बुरी खबर, क्योंकि पिछली बार उनके पास ज्यादा सीट्स थी, एग्जिट पोल के मुताबिक उनको कम सीट्स मिल रही हैं। तो पांचों राज्यों का अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे हमने आपके लिए पेश किए। हम कोशिश करेंगे कि इन सब राज्यों को मिलाकर के एक ओवरऑल तस्वीर, एक ब्रॉड तस्वीर आपके लिए पेश करें, जिसका मतलब 2019 के चुनाव के लिए निकाला जा सके। ये बीजेपी के लिए कितनी अच्छी खबर, कितनी बुरी खबर, ये कांग्रेस के लिए कितनी अच्छी खबर, कितनी बुरी खबर। हम कोशिश करेंगे कि ये विश्लेषण इसी तरह जारी रखें। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।